नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम पे। कैसे भाई सब लोग? होली का टाइम चल रहा है, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से होली खेली होगी, आज बहुत मज़ा आया होगा। हम लोगों के ऑफिस में भी होली हुई है और काफ़ी आनंद है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको होली के ऑफर पर, ऑफर नहीं बोलिए, एक बात बोल सकते हैं कि होली के फेस्टिवल पे, ऑफर तो दूसरी चीज़ हो रही। तो मैं आज आप लोगों को पेट का एक ऐसा लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ जिसमें हम लोग वेट अनुपात निकालते हैं, वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं, और मैं आपको एक ऐसा तरीका, एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप वेलोसिटी रेशियो को, कोई भी बड़े से बड़ा डायग्राम भी होगा, आप वेलोसिटी रेशियो सिर्फ 2 सेकेंड में बताओगे। जी हाँ, सिर्फ 2 सेकेंड में। अरे बहुत मजा आने वाला है, मतलब इस 20 से 25 मिनट की क्लास में देखिएगा आप वेलोसिटी निकालना पूरी तरह से सीख जाओगे। क्लियर है ना? तो ये चैप्टर एक्चुअली में लीवर और सिंपल मशीन में आता है। पता है कि लीवर एंड सिंपल मशीन ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? ये पढ़ते हैं बच्चों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है होली ऑफर चल रहा है, आप इस ऑफर का लाभ उठा लीजिए एकदम। देखो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का दाम रखते हैं, कुछ लोग जो है 300 में, कुछ लोग 600 में, इवन कुछ लोग जो है ना 150 में भी दे रहे हैं। लेकिन विश्वास मानिए, उन लोग का जो कंटेंट होता है ना वो सिलेक्शन लाइट होता ही नहीं है। ये मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। और दूसरी खास बात ये कि हम लोग का जो भी ऑफर आता है वो ज़्यादातर 800-900 के आसपास रहता है। रेगुलर जो हमारा रेगुलर दाम है वो भी इसी के आसपास रहता है, ताकि उन सारे बच्चों को ठेस ना पहुँचे जो लोग लगभग 900-1000 रुपये देते स्टोर्स को लिए। तो आप सब लोग भी 864 रुपये में कंप्लीट बैच मिल रहा है, 71% का डिस्काउंट है। कैसे ज्वाइन करना है बच्चा? माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पर जाके माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद CBT 1 और CBT 2 का कंप्लीट बैच ले लीजिए। ऑफर चल रहा है, और दोस्तों इसमें जो कूपन कोड अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है UD10। जब आप UD10 अप्लाई करोगे तब आपको ये ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक साइंस के साथ भी आपको ये बैच है और ट्रेड भी मिलेगी। ओके, तो चलो फिर हम लोग बेसिक साइंस का बहुत खतरनाक लेक्चर देते हैं, वेलोसिटी रेशियो ट्रेन निकालना। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से। तो बच्चा वेलोसिटी रेशियो का ये जो चैप्टर है ये सिंपल मशीन में आता है, आपको पता है। मैं कंप्लीट चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस आपको एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ कि वेलोसिटी रेशियो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना सब लोग, टर्मिनोलॉजी शब्दावली, और शब्दावली में दो शब्दावली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक है मैकेनिकल एडवांटेज, दूसरा है वेलोसिटी रेशियो। ध्यान से एकदम समझना। अब देखो होता क्या है, जैसे कि मैंने आपके सामने, मान लीजिए ये पुली दिखाई, सर मैंने आपके सामने ये क्या दिखाई, तो मैंने आपके सामने ये बच्चों एक पुली दिखाई, और ये पुली मैंने पूरी तरीके से देखो ऐसे फिक्स कर दी, स्थिर कर दी। सर ये मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, उस बात को मैं समझाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ से देखिए एक रस्सी डालते हुए, सर यहाँ से एक रस्सी डालते हुए इस तरीके से यहाँ पर एक पिंड बांध दिया है ना, ये W इसका भार है, इस पर पिंड बांध दिया, और पिंड बांधने के बाद यहाँ पर मैं अपना प्रयास पी लगाऊंगा बच्चों, और जैसे ही मैं प्रयास पी लगाऊंगा तो देखो आपका ये W ऐसे ऊपर उठेगा, समझो बात को। तो W ऊपर उठेगा, प्रयास नीचे आएगा, W ऊपर उठेगा। तो आपसे पूछा जाए कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो कहना मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है सर उठाया गया भार और डिवाइड बाई लगाया गया प्रयास। तो जितना भी आप प्रयास लगा रहे हो, जितना भी आप अपनी ताकत लगा रहे हो, वो प्रयास कहलाएगा पी, वो कहलाएगा पी, और जितना भार उठा रहे हो बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग W। तो कह सकते हो उठाया गया भार W और लगाया गया प्रयास, इन दोनों का जो अनुपात होता है, बस इसी अनुपात को बोला जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में यांत्रिक लाभ। ध्यान रखना इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, तो बच्चों कहना इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग यांत्रिक लाभ। दूसरी बात सुनिए, यांत्रिक लाभ। इसके बाद अगला नंबर आता है वेलोसिटी रेशियो, इसे हिंदी में बोलते हैं वेग अनुपात। अब थोड़ा सुनना ये वेग अनुपात होता क्या है, अभी मैं बताऊंगा। बहुत सारे हमारे पास डायग्राम है, इतने खतरनाक डायग्राम है जिसमें आप वेट अनुपात को 2 मिनट में निकालोगे, फिट्स पुली का बताएंगे, मूवेबल पुली का बताएंगे, हैं ऐसे खतरनाक डायग्राम को सॉल्व कराएंगे। कोई भी डायग्राम हो, हर तरह के डायग्राम का मैं आपको वेलोसिटी रेशियो सिर्फ 2 सेकेंड में ही बताने वाला हूँ, बस उसके लिए थोड़ा बेस क्लियर होना चाहिए ना। सर वेट अनुपात क्या होता है, तो वेट अनुपात का मतलब ये होता है सर कि देखो जब आप प्रयास लगाओ, ऐसे प्रयास लगाओगे ना, तो ये प्रयास पी भी कुछ दूरी तय करेगा और भार भी ऊपर की ओर उठकर कुछ दूरी तय करेगा, है ना। तो
तो प्रयास पी कुछ दूरी तय करेगा, प्रयास पी द्वारा चली गई दूरी वाई है, भार ऊपर की ओर गया तो भार द्वारा चली गई दूरी को हम एक्स मानेंगे। फिर सुनिए, प्रयास द्वारा चली गई दूरी को वाई और भार द्वारा चली गई दूरी को एक्स। तो याद रखिएगा सर, वेट अनुपात क्या होता है? कहना वेट अनुपात का मतलब होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी। प्रयास द्वारा चली गई दूरी वाई ऊपर रखी जाएगी और भार द्वारा चली गई दूरी को हम लोग कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। बस ध्यान रखना वाई बटे एक्स। फिर से मैं बता दूं वाई क्या है, कहना वाई है सर प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी। तो प्रयास द्वारा चली दूरी ये हमारा कह सकते हो वाई है, और एक्स क्या है? तो कहना एक्स है सर भार द्वारा चली गई दूरी। ये देखो ठीक है। अब प्रश्न आता है कि मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ लिया आपने, वेट अनुपात पढ़ लिया, बताइए दक्षता क्या होती है? तो एक छोटा सा टर्म और याद रखिए, दक्षता। तो बच्चों जब भी कभी दक्षता की बात आती है ना, तो दक्षता ईटा बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज ऊपर रखिए, वेलोसिटी रेशियो नीचे रखिए। ध्यान रखिएगा मैकेनिकल एडवांटेज ऊपर रखिए, वेलोसिटी रेशियो नीचे रखिए। इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? दक्षता के नाम से जानते हैं। और कई बार दक्षता 100% होती है, तो याद रखना जब भी कभी दक्षता 100% होगी मेरे दोस्त, तो हमेशा याद रखना मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमेशा आपस में बराबर होगा। अगर दक्षता 100% है तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आपस में कैसा होगा दोस्त? बराबर होगा। ओके बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है ना? तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम कट। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंट डिवाइसों का हम लोग वेलोसिटी रेशियो या मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकाल सकते हैं, दक्षता कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर दक्षता 100% है तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आपस में बराबर होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि जो हमारी फिट्स पुली होती है, सबसे सिंपल मशीन का सबसे पहला पार्ट है फिट्स पुली। बच्चों जो हमारी फिट्स पुली होती है इसके बारे में पूछा जाएगा कि बताइए इसका वेलोसिटी रेशियो क्या है फिट्स पुली का। तो जब भी कभी आपसे फिट्स पुली के बारे में बोला जाए तो मैंने देखो इस पुली को पूरी तरह से फिक्स कर दिया, ये ऐसे फिट्स, ये फिट्स हो रही। फिर मैंने क्या किया इससे रस्सा डालकर, सर फिट्स पुली से मैंने इस तरह से देखो क्या किया, सर फिट्स पुली से मैंने इस तरह से रस्सा डालकर सर एक भार लटका दिया, डब्लू भार लटका दिया। और डब्लू भार लटका दिया तो इसको देखिए हमने खींचने के लिए एक प्रयास पी लगाया, बहुत ध्यान से सुनना, एक प्रयास पी लगाया। ओके, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक रस्सी सेम होगी तब तक आने वाला तनाव हमेशा समान होगा। जब रस्सी समान होगी तनाव समान होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर तुमने यहां पर प्रयास पी लगा के इसको खींचा है तो रस्सी में एक तनाव जरूर आएगा, उस तनाव को मैंने अपनी तरफ से कितना कह दिया टी, है ना? यही तनाव हर जगह होगा और यही तनाव क्या करेगा सर, यही तनाव जो है इस भार को भी ऊपर उठा लेगा, सर यही तनाव इस भार को भी क्या करेगा ऊपर उठा लेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर तनाव और पी लड़ाई या प्रयास बराबर होनी चाहिए। तो ठीक, आप प्रयास लड़ा रहे हो रस्सी में तनाव आ रहा है और वही तनाव भार को बिठा रहा है, सर यहां का तनाव और उठाया गया भार बराबर होना चाहिए। क्लियर कीजिए। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि सर यहां पर आपने जितना प्रयास लगाया उसी की वजह से तनाव आया तो तनाव भार के प्रयास के बराबर, और सेम तरीके से उतना वहां भार उठ रहा है तो तनाव भार के बराबर। तो इसका अर्थ पता है क्या हुआ सर? इसका अर्थ यह हुआ कि टी बराबर पी भी है, टी बराबर डब्ल्यू भी है। मैकेनिकल एडवांटेज मैंने कहा डब्ल्यू बटे पी, बताओ W का मान कितना आ गया T और P का मान भी T, T से T कैंसिल हो गया, बताइए मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 8। तो फिट्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है? कहना 1 होता है। और दक्षता यदि 100% है तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना होगा सर 1, याद कर लेना। दक्षता अगर 100% है, याद करो मैंने कहा था कि दक्षता यदि 100% है तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो कॉपी में नोट करिएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि फिट्स पुली का वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, फिट्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, तो कहना फिट्स पुली का वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 होता है। ठीक है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, रस्सी जब तक सेम है तब तक आने वाला तनाव सेम है। इसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट आता है मूवेबल पुली। अब इसमें सोचिए पहले कौन है मूवेबल पुली, सोचो। ऐसे डायग्राम दिखाया गया, अगर मैं डायग्राम को पूरा कर दूं तो यहां से देखिए ये जो रस्सी है ना सर, ये जो रस्सी है, ये रस्सी इस तरीके से ऐसे जाएगी, ऐसे जाते हुए ऐसे जाते हुए ऐसे जाते ऐसे ये लगेगी, बताओ।
फिर ऐसे जाते हुए ऐसे, ये है रस्सी, बताइए। ओके, फिर इससे एक ब्लॉक भी ऐसे जुड़ा हुआ है, ये देखिए ब्लॉक जुड़ा हुआ है ऐसे, ये इस तरह से फिक्स की रही है ऐसे। तो आप मुझे बताइए इनमें से मूवेबल पुली कौन है और फिक्स पुली कौन है। तो कहना साफ साफ नजर आ रहा है सर कि ये इससे फिक्स की रही है, ये तुम्हारी फिक्स पुली है। और जबकि अगर कोई पूछे कि बताइए मूवेबल पुली कौन सी है, तो बच्चा ये है तुम्हारी मूवेबल पुली। ध्यान से सुनते रहना एकदम क्रेडिट साथ। और ये एक भार है जिसको मुझे उठाना है सर, ये मेरा एक भार है W जिसको मुझे उठाना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्रयास लगाना पड़ेगा, बताओ यहाँ प्रयास लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं लगाता हूँ प्रयास। तो बच्चा अगर मैं यहाँ प्रयास लगा दूँ, पी इफर्ट लगा दूँ, तो यहाँ पर आने वाला बताओ तनाव कितना हो जाएगा। कह देना आने वाला तनाव हमारा टी हो जाएगा। अगर प्रयास लगाया जाए तो आने वाला तनाव कितना हो जाएगा, टी। ये देखो तो बच्चा ये रस्सी तो देखो ऐसे सेम है ना, तो रस्सी सेम है तो यहाँ पर भी आने वाला तनाव कितना, टी। और सर यहाँ पर भी आने वाला तनाव टी। देखो तो अगर रस्सी सेम है तो तनाव सेम होगा, मैंने कहा है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि सर ऊपर टी, ऊपर टी, तो यहाँ पर इस वाली रस्सी में कितना तनाव आएगा, कहना इस वाली रस्सी में आ जाएगा तनाव टू टी। बताओ तो मेन ये देखना होता है कि जहाँ से आपने लोड को लगा रखा है वहाँ पर कितना तनाव उठा रहा है उसको। तो आपने कहा कि अरे ये टी और ये टी है, आप ऐसे सोचो ना, अगर मैं इसको ऐसे बना के दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये ऐसे, ये मूवेबल पुली मैंने बनाई ये वाली, तो बच्चा ये वाली पुली बनाई तो ये तनाव टी हो गया, ये तनाव टी हो गया, और ये ऐसे रस्सी। तो इसके सेंटर से जो कुछ भी उठेगा सर, इसके सेंटर से जो कुछ भी उठेगा उसमें तनाव कितना आएगा सर, यहाँ जो तनाव आना चाहिए सर वो तनाव हो जाएगा टू टी। सीधी बात है, बताओ। तो आप ऐसा कहिए ना कि सर अगर नीचे की ओर भार W काम कर रहा है, देखो एक तो यहां P बराबर कितना, P बराबर T, क्योंकि आपने प्रयास लगाया और तनाव T बराबर, और यहां पर भार कितना उठ रहा है W बराबर 2T, W बराबर 2T। चलो बताइए अब मैं आपसे पूछूं कितना है मैकेनिकल एडवांटेज, तो कहना मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है W बटे P, बताओ। और W बटे P, W का मान कितना 2T, और प्रयास P का मान T, और जैसे T से T कैंसिल, देखो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 2। तो बच्चों मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 होता है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 होता है, लेकिन ये 2 और 2 तभी कहना जब दक्षता कितने परसेंट हो सर, दक्षता हो 100%, याद रखिएगा कॉपी में। ओके, तो इससे पहले ये सब नोट डाउन करते रहना, इससे पहले मैंने कहा कि जो हमारी फिक्स पुली होती है उसका मैकेनिकल एडवांटेज 1, वेलोसिटी रेशियो 1, जो मूवेबल पुली होती है उसका मैकेनिकल एडवांटेज 2, वेलोसिटी रेशियो 2। बच्चों इसी कॉन्सेप्ट से आपको कोई भी डायग्राम दिया जाए निकालने का, आप निकाल लोगे। कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल हो, कोई भी बड़ा, जैसे ये वाला सवाल देखिए, आपको बड़ा कठिन लगा होगा लेकिन वो कठिन नहीं है। यहाँ पर एक पुली बनाई गई है सर, यहाँ पर एक पुली बनाई गई है, उसके बाद यहाँ पर भी एक पुली है ऐसे, ये एक पुली है, और इसके बाद जो है यहाँ पर हमने भार उठाना है, ठीक है, ए डी पुली है। इन सब से बताइए क्या लगाई गई है सर, इन सब से रस्सी लगाई गई है, ऐसे रस्सी जाते हुए ये देख वो ऐसे जाते हुए, ऐसे जाते हुए ये ऐसे रस्सी रही है, ये ऐसे रही है, ये ऐसे रही है, फिर ये ऐसे जाते हुए यहाँ पर इस तरह से, फिर ये प्रयास लगाए जा रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही तो है। ओके, मुझे बताना है कि बताइए इस सिस्टम का कितना मैकेनिकल एडवांटेज होगा, निकाल लेंगे यार, 2 मिनट रखे ले, देखो कैसे। अब मुझे बताओ अगर यहाँ पर, ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपने प्रयास पी लगाया, प्रयास पी लगाया, तो ऊपर कितना टेंशन आएगा, टी आएगा। ऐसा जाते हुए ये सब, सब में डोरी में टेंशन कितना होगा सर, सब में ये सब टेंशन समान होगा टी, सब में टेंशन टी, इसमें भी टेंशन टी, हर जगह टेंशन कितना होगा टी, हर जगह टेंशन कितना होगा टी, बताओ हर जगह टेंशन टी, क्योंकि डोरी समान है, और जब तक डोरी समान है टेंशन समान टी। अब आप खुद मुझे बताइए ये जो लोड है डब्लू, इस लोड को उठाने के लिए कितने टी ने सहायता की, इस लोड को उठाने के लिए कितने टी ने सहायता की। तो कहना 8T ये हो गया सर, 8T ये हो गया, देखो 2T यहां से जुड़ा हुआ ना, यहां से ये देखो, इसी तरीके से 8T ये हो गया, 8T ये यहां से जुड़ा हुआ है, बताओ इन दोनों की मदद से ही तो ये लोड ऊपर उठ रहा है। तो टोटल ऐसे कितने T हो गए जो इसको ऊपर उठा रहा है, कहना T टोटल 4T। तो W को ऊपर उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा 4T,
लेकिन जब आपने प्रयास लगाया था तो बताओ प्रयास में किसके बराबर हो जाएगा, प्रयास पी बराबर टी। तो आप मुझे फटाफट बताइए स्टेप वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा। कहना पहले सर मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लो। सर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, डब्ल्यू बटे पी, और डब्ल्यू बटे पी, डब्ल्यू कितना सर 4t, पी कितना सर टी के बराबर। तो फाइनली मुझे बताइए मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर कितना आ गया 4, ये देखो। और वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, अब आप खुद मुझे बताइए मैकेनिकल एडवांटेज 4 हो गया तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना हो जाएगा, सर वेलोसिटी रेशियो भी 4 ही हो जाएगा, ये देखिए। ओके, तो मैं भाई अगर ये कब पॉसिबल है, जब दक्षता 100% हो, ये मैं बार बार बात बोल रहा हूं, और नहीं 100% होगी, कुछ और दक्षता होगी, मान लो 60% दक्षता होगी इसकी, तो तुम्हें कुछ नहीं करना यार, सीधा सीधा मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो लगा देना, यहां 60% कर देना, मैकेनिकल एडवांटेज तुम्हें पता चल चुका है, वेलोसिटी रेशियो पता चल जाएगा, सीधी सी ठेले। ओके, तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस तरह से कोई भी सिस्टम सॉल्व किया जा सकता है, ये एक एग्जाम्पल है, केस नहीं है। जैसे कि ये वाला सिस्टम देखिए, तुम्हें बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा लेकिन निकालेंगे बहुत जल्दी। हाँ, तो आपको आई थिंक डायग्राम एकदम क्लियर होने, तो आप मुझे बताइए डोरी एकदम क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। यहां से तुमने प्रयास पी लगाया, प्रयास पी, तो डोरी में आने वाला टेंशन कितना हो जाएगा, सर डोरी में आने वाला टेंशन टी, और जब तक डोरी समान है तब तक आने वाला टेंशन भी समान होगा। तो ऐसे डोरी जा रही है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो सब, तो बच्चों यहां पर भी टेंशन टी, 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 समझिए यहां पर भी टेंशन टी और यहां पर भी टेंशन टी, सेम तरीके से यहां पर भी टेंशन टी, यहां पर भी टेंशन टी, हर जगह टेंशन टी 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 टी, ऐसे ना। देखो अब ये टी तो यहां पर बताओ टेंशन कितना बना लेगी, 2t, ये टी टेंशन कितना बना लेगी, 2t, ये टी टेंशन कितना बना लेगी, 2t, ये टी और ये टी टेंशन कितना बना लेगी, 2t। देखो तो टोटल हमारे कितने टेंशन हो रहा है, कह देना पूरे 8t टेंशन हो रहा है। तो यहां पर सर जो भी भार उठेगा, जो भी वेट उठेगा, वो बताइए कितने टेंशन के साथ उठेगा, 8t टेंशन के साथ उठेगा। अच्छा सर, अब मुझे बताइए मैकेनिकल एडवांटेज कितना, अब मैं डायरेक्ट बता दूं है, डब्ल्यू बटे पी होता है, डब्ल्यू ये रहा, पी ये रहा, 8t बटे टी, और 8t बटे टी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना हो जाएगा, सर वेलोसिटी रेशियो भी 8 हो जाएगा। आप देखिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा सवाल हमने ठटाक से सॉल्व कर दिया, बताइए आगे पढ़ा जाए। इसके बाद ये तो हमारे एग्जांपल हो रहा है बच्चों, इसके बाद हमारे पास घिनियोटी सिस्टम भी होते हैं, फर्स्ट पुली ऑफ सिस्टम, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसके वेलोसिटी रेशियो आपको याद करने। तो बच्चों फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली कैसे हम लोग समझे दे? तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में क्या होता है बच्चों, कि अगर ये तीन पुली है तो तीन पुली में से एक पुली हमारी पूरी तरह से स्थिर होती है, ऐसे ये देखो ये स्थिर पुली है। ओके, बाकी दो पुली मूवेबल पुली होती है, देखिए बाकी दो पुली कैसी होती है, कहना बाकी दो पुली हमारी मूवेबल पुली होती है, ये देखो। ओके, और नीचे तुम्हारा लोड है, तो इस फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में क्या हो रहा है, एक पुली स्थिर होगी, बाकी दोनों पुली मूवेबल। अरे इसको नाम भी दिया गया, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ये हमारी पहली ए पुली हो गई मूवेबल पुली, ये बी पुली हो गई मूवेबल पुली, और ये सी पुली हो गई मूवेबल पुली। मुझे बता रहा है इसका वेलोसिटी रेशियो कितना हो रहा है, कितना आसान है यार, कितना आसान। देखो मैं आपको बताऊं, यहां पर आप प्रयास पी लगाओगे तो बताइए ऊपर की ओर टेंशन टी आ जाएगा, क्लियर। अच्छा सर टेंशन टी आ जाएगा, तो यही टेंशन टी हर जगह होगा, मैंने कहा बिल्कुल, यहां पर भी टेंशन टी, ऐसे जाते हुए यहां पर भी टेंशन टी, ये टी और टी, तो यहां टेंशन कितना सर, यहां टेंशन 2t, और मेरे भाई ये टेंशन 2t, ऐसे जाते हुए यहां पर भी टेंशन कितना 2t, चेक कीजिए। लोड तो तुम्हारा यहां लगा है, तो लोड उठाने के लिए कितना हो जाएगा, 2t 4t, सर लोड उठाने के लिए 4t, बताओ। अगर लोड उठाने के लिए 4t हो गया तो मेरे दोस्त ये बताइए नीचे की ओर तुम्हारा डब्ल्यू, ऊपर की ओर 4t, तो क्या ऐसा बोला जा सकता है, सर यहां क्या, यहां प्रयास पी बराबर टी के समझो, हाँ, और यहां पर क्या हो जाएगा सर, यहां डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, सर डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 4t, सीधी सी बात है यार। तो आप मुझे बताइए यहां पर हमें मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, कहना मैकेनिकल एडवांटेज सर डब्ल्यू बटे पी, जिसकी वजह से 4 हो जाएगा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 4 तो वेलोसिटी रेशियो भी 4 होगा, ये देखो। ओके,
बट याद ये फॉर्मूला नहीं किया जाता फोर। हाँ, इसका पता फॉर्मूला क्या याद किया जाता है सर? इसका फॉर्मूला वेलोसिटी रेशियो का याद किया जाता है, 2t n-1। याद रखना वेलोसिटी रेशियो का ये फॉर्मूला याद किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि मूवेबल पुली यहाँ दो हैं, फिर तीन हो जाए, जैसे कि यहाँ टोटल तीन पुली हैं, हो सकता है चार टोटल पुली हो जाए, है ना? तो जब 2t n-1 कहते हो ना, तो यहाँ n जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ पुली होता है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पुली होता है, याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पुली होता है। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पुली होता है, तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ पुली तीन है, तो तीन यहां रखिए पावर में n माइनस वन, तीन माइनस वन दो, दो टी पावर दो चार। अगर यहां टोटल चार पुली होती, दो टी पावर तीन हो जाता फिर, समझो बात को। और कई बार इसी सिस्टम के फॉर्मूले को कुछ किताब में ऐसा भी लिखते हैं, टू टी पावर n, लेकिन जब वो टू टी पावर n लिखते ना, तो स्पेशली कह देते हैं कि n जो है वो फर्स्ट सिस्टम में नंबर ऑफ मूवेबल पुली है, नंबर ऑफ मूवेबल पुली है, तब यहां लिख देते हैं कि ये n नंबर ऑफ मूवेबल पुली है। इस बात को याद रखिएगा, तो आपको बात गहराई समझिए, कंफ्यूज नहीं होना। किताबों में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये मिला हुआ मिले तो नंबर ऑफ टोटल पुली, ये मिला हुआ मिले नंबर ऑफ मूवेबल पुली। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट सिस्टम में 10 पुली टोटल है तो 9 मूवेबल होगी, 8 फिक्स होगी। तो आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, सवाल का आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आसान है सर। सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में देखिए, ये तुम्हारा सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली एकदम धड़ाधड़ सब हो जाता है। सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में देखिए, हमारे पास कुछ पुलियों के ग्रुप्स होते हैं। जैसे देखिए, ये ऊपर वाला अगर हेडर देखा जाए तो ऊपर वाले में दो पुली, फिर नीचे वाले गुच्छे में दो पुली, है ना? हरा ध्यान से देखिए, और लोड कैसे लगाया गया, रस्सी कैसे बंधी है ये भी देखिए। तो बच्चों, रस्सी ऐसे जाते हुए ये पहली पुली, फिर ऐसे जाते हुए ये देखिए, ऐसे जाते हुए ये 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 देखिए, सारी पुलिस होता हुआ यहाँ पर कनेक्ट है, ये देखो बात समझो। ओके, और यहाँ पर कनेक्ट है, और फाइनली जो है नीचे वाले ब्लॉक में देखिए इस तरीके से लोड लगाया गया, लेकिन कनेक्ट तो ये यहाँ पर भी है। तो होता क्या है कि जब भी कभी इस तरह का आपको डायग्राम नजर आए, तो ये कहलाता है घिनियों का द्वितीय निकाय, सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली। सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली की खास बात क्या है कि इसमें ध्यान रखना, एक ऊपर ग्रुप सो रहा है, एक नीचे ग्रुप सो रहा। ओके, रस्सियां समान है, तो अगर आपने पी प्रयास लगाया और आने वाला टेंशन टी, तो हर जगह आने वाला टेंशन टी 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 होगा। चलो देखते हैं कि इस लोड को उठाने के लिए कितना टेंशन रिस्पॉन्सिबल है। तो कहना इस लोड को उठाने के लिए अगर सब में टेंशन टी है, तो यहां कह छोड़ दिया सर, यहां भी टेंशन टी बना दो, है ना? अब ध्यान से देखना इस लोड को कितने टेंशन टी उठा रहे हैं। कहना इस लोड को देखो, एक तो इन दोनों का टेंशन टी टी, और ये इस वाली पुली से भी जुड़ा है, तो यहां पर भी आने वाला टेंशन टी, और यहां पर भी आने वाला टेंशन टी, ये भी टेंशन टी। तो बताओ इस लोड को उठाने के लिए कितने टेंशन रिस्पॉन्सिबल है। कहना एक दो तीन चार, टोटल चार। तो मैं कह सकता हूं कि लोड बराबर चार टेंशन हो रहा है, चार टेंशन। बताइए फटाफट मुझे बताइए, यहां पर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा। कहना मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन पी, और डब्ल्यू तुम्हारा चार टी, पी तुम्हारा पी 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 टी के बराबर है, तो मैकेनिकल एडवांटेज तुम्हारा चार होगा। और मैकेनिकल एडवांटेज चार, तो वेलोसिटी रेशियो भी चार, अगर इफिशियंसी 100% है तो। ओके, तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, क्या इस बार भी 2t n कर दे? नहीं सर, नहीं। इस बार चार आया और चार पुली है, देख लो टोटल चार पुली है। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटे वेलोसिटी रेशियो निकालने का n के बराबर। ध्यान रखना सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली का जो मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का जनरल फॉर्मूला होगा दोस्त, वो होगा सॉरी वेलोसिटी रेशियो निकालने का जनरल फॉर्मूला होगा वो vr बराबर n। ये n क्या है? तो कहना इस n को बोला जाता है टोटल नंबर ऑफ पुली। ध्यान रखना इसको बोला जाता है टोटल नंबर ऑफ पुली। चलिए ओके, तो फर्स्ट सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो 2t n-1, जहां n टोटल नंबर ऑफ पुली है, और सेकेंड सिस्टम का जो वेलोसिटी रेशियो है वो vr बराबर n आया, n यहां टोटल पुली है। सेम तरीके से हमारा आता है थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, ये है थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में क्या होता है बच्चों, देखो एट हमारी फिफ्थ पुली, बाकी मूवेबल पुली, लेकिन रखने का अरेंजमेंट देखिए इस तरह से, है ना? ये अरेंजमेंट याद रखिएगा, और नहीं अरेंजमेंट याद रखे तो क्वेश्चन में आपको दिया भी जाएगा ना कि ये पहला सिस्टम ऑफ पुली है, ये सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली है, ये तुम्हारा थर्ड सिस्टम ऑफ पुली है, इस तरीके से। ये देखो मतलब एक पुली तुमने फिक्स कर दी,
उस फिक्स पुली के रस्सी का एक सिरा लोड से लगा होगा और दूसरा सिरा पुली के सेंटर से है। सेम तरीके से उसका एक सिरा लोड से, दूसरा सिरा पुली के सेंटर से। सेम तरीके से उसका एक सिरा लोड से, दूसरा सिरा पुली के सेंटर से। लेकिन पुली के सेंटर ना हो लास्ट में, तो यहां पर क्या लगाया जाएगा? सर यहां पर लगाया जाएगा प्रयास पी। अब आप बताओ जल्दी से, अगर मैं प्रयास पी लगाता हूं ऐसे ऐसे, तो प्रयास पी लगाने से आप सीधा सीधा देखिए, प्रयास पी लगाने से ये चीज नीचे आएगी, ये चीज नीचे आएगी, ये पुली टहाएगी नीचे और ये पुली नीचे आएगी, तो ये रस्सी नीचे आएगी, ये उठेगा, फिर ये पुली आएगी, ये उठेगा, फाइनली लोड हमारा उठेगा। तो लोड उठेगा तो मुझे समझना पड़ेगा ना कितने टेंशन की वजह से लोड उठ रहा है, तभी तो आप वेलोसिटी रेशियो, तभी तो आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल पाओगे। तो अगर ये प्रयास पी है बच्चों, तो आप देखिए यहाँ पर टेंशन सब जगह समान हो रहा, मैं टेंशन भी मान लेता हूँ, टेंशन टी है, तो मारी बात है कि प्रयास पी बराबर टेंशन टी, प्रयास पी बराबर टेंशन टी। तो बच्चों यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा? सर यहाँ टेंशन टी, ये टी ऐसे टेंशन तो दो तरह से दिखाते, एक ऐसे एक ऐसे, तो ये फाइनली हमारा कितना बना देगा यहाँ पर टेंशन? सर यहाँ पर टेंशन बना देगा टू टी, टू टी, यहाँ पर टेंशन टू टी, तो यहाँ पर भी टेंशन टू टी, सर यहाँ पर भी टेंशन टू टी, ये देखो यहाँ पर भी टेंशन कितना आ जाएगा? सर यहाँ पर भी टेंशन आ जाएगा टू टी, ध्यान से सुनते रहना, ये टू टी, ये टू टी, यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाना चाहिए था, एक सेकेंड, यहाँ पर ऐसे दिखाना चाहिए था टू टी, तो ये टू टी, ये टू टी, यहाँ पर टेंशन फोर टी और यहाँ पर फोर टी, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? फोर टी, ये देखो हमने बना दिया ना सारे टेंशन के वो, तो इस लोड को कौन उठा रहा है? कहना टी टू टी फोर टी, तो टोटल कितना हो गया? चार दो छः एट सात, तो टोटल अगर टेंशन देखा जाए कितने टेंशन उठा रहा है, कहना टी उठा रहा है सर, टी के बाद टू टी भी उठा रहा है सर और फोर टी भी उठा रहा है, टोटल देखिए जो लोड उठा रहा है वो सेवेंटी उठा रहा है, सेवेंटी, ओके। तो आप मुझे बताइए मैकेनिकल एडवांटेज कितना होना चाहिए? तो कहना पी बराबर देखो सर टी था और डब्ल्यू बराबर सेवेंटी है, तो फाइनली मुझे पता चल जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज बराबर सेवन, तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना आ जाएगा? सेवन, देख लो। बट अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करता हूँ, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखना थर्ड सिस्टम ऑफ पुली का जनरल फॉर्मूला होता है टू टी पावर एन माइनस वन, ये होता है थर्ड सिस्टम ऑफ पुली का जनरल फॉर्मूला होता है टू टी पावर एन माइनस वन। यहां एन क्या है? यहां पर एन क्या है? तो कह रहा एन को बोला जाएगा टोटल नंबर ऑफ पुली, ये एन है टोटल नंबर ऑफ पुली। तो बच्चों अगर टोटल नंबर ऑफ पुली है तो इसका क्या मतलब हुआ? कहना इसका मतलब हुआ एन तीन रखिए, दो टू पावर तीन माइनस है देखो सात आठ, तो तीनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, तीनों के अलग अलग फॉर्मूले याद कर लेना। देखो फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का टू टू पावर एन माइनस वन, एन यहां टोटल नंबर ऑफ पुली है, पावर में एन माइनस वन है। सेकेंड सिस्टम का एन के बराबर, थर्ड सिस्टम का टू टू पावर एन माइनस वन, यहां माइनस वन नीचे है ना, तो निकालना कठिन नहीं होता वेलोसिटी रेशियो, मैं पहले बता दूं। ये देखिए एक और डायग्राम ले लेते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके डायग्राम आ सकते हैं, जैसे कि सिंपल व्हील एंड एक्सेल होता है बच्चों। सिंपल व्हील एंड एक्सेल में देखिए ये मेरी बाल्टी, आप इसको डब्लू भार कह दीजिए, जैसे जैसे आप इस हैंडल को घुमाओगे, घुमाने के बाद देखो बाल्टी ऐसे ऊपर उठेगी। मान लीजिए मुझसे कहा जा रहा है कि सर इसका जरा वेलोसिटी रेशियो निकालते दिखाइए, सर इसका वेलोसिटी रेशियो निकालते दिखाइए, क्योंकि इसमें तो कहीं टेंशन वेंशन जैसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा, कैसे लगाओगे इसको? मैंने लग जाएगा, परेशान मत होइए, देरी कैसे लगेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको ये हैंडल की त्रिज्या दी जाती है हमेशा, ये हैंडल है तो ये हैंडल की त्रिज्या कितनी है? आर मान लीजिए, कैपिटल आर, और ये एक्सेल होता है, इसे एक्सेल बोलते हैं, इस एक्सेल की त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल आर। एकदम ध्यान सुनना बच्चों, एक बात बताओ वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ना वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, यही है वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए आप कहां प्रयास लगाओगे? कहना सर यही पर प्रयास लगाएंगे, एट राउंड ऐसे घुमाएंगे, हाँ, तो यहां से भार हमारा ऊपर उठ जाएगा। तो आप मुझे बताइए अगर तुमने यहां एट राउंड ऐसे घुमाया, इस हैंडल को पकड़ा एट राउंड ऐसे घुमाया, तो आपका हाथ कितना दूरी तय करेगा? तो कहना आपका हाथ जो है ना सर उतनी दूरी तय करेगा जितनी थी इस हैंडल की परिधि। तो हैंडल की त्रिज्या अगर आर है
तो जल्दी बताइए एक परिधि में कितनी दूरी तय करेगा, 2πr, ये देखो। फिर ये जो लोड है, बाल्टी है, ये ऊपर उठेगा, लेकिन जैसे तुम इसको एट राउंड बस घुमाओगे मेरे भाई, तो ये एक्सेल भी तो 80 राउंड घूमेगा, और एट राउंड घूमेगा तो ये ऊपर उठेगा, लेकिन कितना ऊपर उठेगा? सर उतना ही ऊपर उठेगा जितना कि रस्सी लिपट जाएगी, और लिपटने के लिए भी सर इस रस्सी को लिपटने के लिए भी परिधि बनानी पड़ेगी इसकी, लेकिन यहां एक्सेल है सर, ये एक्सेल है, एक्सेल की परिधि बनानी पड़ेगी, ये देखो एक्सेल की। तो बच्चों एक्सेल की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो लोड कितना ऊपर उठेगा, कहना एक्सेल की परिधि के बराबर ऊपर उठेगा, और एक्सेल की परिधि 2π स्मॉल आर, ये देखिए, तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, तो व्हील एंड एक्सेल की वेलोसिटी रेशियो ऑफ, ये प्रयास है, ये क्या है बच्चों, यहां पर लगाया हमने प्रयास, और यहां से क्या ऊपर उठेगा सर, यहां से ऊपर उठेगा लोड, क्लियर है? तो प्रयास और लोड है, तो फाइनली देखिए व्हील एंड एक्सेल की वेलोसिटी रेशियो, रेडियस कैपिटल आर ऊपर, स्मॉल आर नीचे। कई बार ये फॉर्मूला डायमीटर के पदों में पूछा जाएगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, ऊपर कैपिटल डी कर देना, इसमें नीचे स्मॉल डी कर देना, ये फॉर्मूला डायमीटर के पदों में भी आ जाएगा। अरे बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं बताइए। चलो अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, ये तुम्हारा स्क्रू जेट है बच्चों, स्क्रू जेट, स्क्रू जेट में आपको पता है कि यहां पर हम लोग एक लोड को रखते हैं बच्चों, और जैसे ही इस हैंडल को, इस हैंडल की देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी मानी गई है सर, आर मान लीजिए, एल नहीं आर मान लीजिए आर। तो अगर इस हैंडल को पकड़ के आप ऐसे एक राउंड घुमाते हैं, ये लोड ऊपर उठता है, याद है ना? अगर मैं ये जो चूड़ियां बनी हुई है, इन चूड़ियों की पिच पी मान लेता हूं, पिच का मतलब होता है दो लगातार चूड़ियों के बीच का गैप, बच्चों दो लगातार चूड़ियों के बीच का गैप पिच होता है, और पिच को हम लोग शो करते हैं स्मॉल पी से, किससे? स्मॉल पी से। तो होता क्या है कि जब हैंडल को आप ऐसे एक राउंड घुमाते हो, तो ये जो हमारा लोड है ना, ये ऊपर उठता है, कितना ऊपर उठता है, एट पिच के बराबर ऊपर उठता है, यानी एट यहां से ऊपर उठकर यहां पहुंच जाएगा, एट पिच के बराबर ऊपर उठता है, डेट मींस ये सर यहां से उठकर यहां पहुंच जाएगा। तो आप मुझे बताओ एट राउंड में कितना दूरी तय करेगा, कह देना 2πr, एट पिच में ऊपर उठता है तो स्मॉल पी, 2πr अपॉन पी, है ना? तो देखो कितना आसान सवाल है, मैंने ही सॉल्व कर दिया। तो फाइनली मुझे बताइए, अगर सिंपल स्क्रू जेट का तुमसे वेलोसिटी रेशियो को पूछे, तो कहना एट राउंड में आपका हैंडल दूरी तय करेगा 2πr परिधि के बराबर, लोड आपका पिच ऊपर उठेगा पी, तो देखिए इसका वेलोसिटी रेशियो 2πr अपॉन पी हो गया। तो बच्चों वेलोसिटी रेशियो निकालना किसी भी डायग्राम का कठिन नहीं होता, क्योंकि रेलवे डायग्राम वाले क्वेश्चन देता है, हो सकता है कि दे दे, तो मैंने सोचा कि वेलोसिटी रेशियो का एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, जिसमें आप बहुत जल्दी, वैसे मैंने लिखा 2 सेकेंड है, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कोई नया डायग्राम आ जाए तो बस आपको ये समझना है कि नए डायग्राम को हमें उठाना कैसे, उसके अनुसार आपको बताना है चीज़ें, ठीक है? तो बच्चों होली के ऑफर पे मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई, और दूसरी मैं बात आपको फिर से बता दूं, अगर आप लोग अभी तक बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं लिए, क्योंकि ये सब बातें ना मैं अपने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के लेक्चर में पढ़ाता हूँ, लीवर और सिंपल मशीन के लेक्चर में ये सब बातें मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको करना क्या है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले बच्चों माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद एक बार सिर्फ चेक कर लीजिए जाके कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सिलेबस कितना बढ़िया मैंने कंटेंट अरेंज किया। लोड लीवर और सिंपल मशीन को सिर्फ एक चैप्टर मानते हैं, मैंने उसमें कम से कम 4 चैप्टर पढ़ाए, आपको पता है लीवर और सिंपल मशीन में मैंने आपको बेल्ट ड्राइव भी पढ़ाया, जो कि पिछली बार क्वेश्चन आया था, डियर ड्राइव भी बताया, देख लीजिए ना इससे भी क्वेश्चन आया था, डियर ड्राइव N1/N2 बराबर D2/D1 से, है ना? मैंने पूरा लीवर पढ़ाया, मैंने पूरा सिंपल मशीन पढ़ाया, यानी उसमें भी ये 4 चैप्टर पढ़ाए, यानी इतना डिटेल कंटेंट है, इतना डिटेल कंटेंट है। तो माई पाठशाला का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का आप कोर्स ले सकते हैं, हालांकि इसका जो दाम है ना वो 499 है, लेकिन आप कंप्लीट पैकेज लो 864 वाला जो मैंने शुरुआत में बोला था। किसी तरह का कोई डाउट होता है तो मैं एक नंबर लिख देता हूँ 9369807046, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, या फिर मैं एक और नंबर लिख देता हूँ 9696802411 बच्चों, हरा, तो इस नंबर पर कॉल करने के बाद आप इंक्वायरी भी ले सकते हैं, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।